तो अभी हम लोग खाएंगे ब्रेकफास्ट ब्रेड विथ पीनट बटर एंड ये शालू का लाल चाय और ये मेरा गुड़ का पानी, मैंने इसमें गुड़ ऐड किया है। गाइस एक अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को, ये पीनट बटर दोनों हमने साथ में अमेजोन से मंगवाया था क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट है, ये ख़त्म भी हो गया है, आज लास्ट था तो ये भी साथ में ही मंगवाया था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमको। हमने इसको ऐसा मंगवाया था क्योंकि इसके अंदर पीनट का छोटा छोटा क्रश करके डाला हुआ है, तो मैंने सोचा अच्छा होगा, बट नहीं, मुझे यही अच्छा लगा। तो अगर आप लोग पीनट मंगवा रहे हो तो आप लोग ये मंगवाना क्योंकि मुझे इसका टेस्ट तो बिल्कुल ख़राब लगा। गाइस अभी हम लोग बच्चा हम लोग नीचे जा रहे हैं अम्मा के घर में, अम्मा तो नहीं है बस्ती में है, बहन दोनों है वहाँ पे, तो उन लोग पास जा रहे हैं क्योंकि मेरा अभी 1 बजे से ड्यूटी है तो बच्चा को वहाँ छोड़ के जाने के लिए। सो मैंने उससे पहले जाने से पहले मैंने ऐसा सोचा है कि मैं अपना क्वार्टर का टूर करा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने जो पहले होम टूर का वीडियो बनाया था वो मैंने पूरा सेटिंग चेंज कर दिया है, तो मैं बताती हूँ मैंने क्यों चेंज किया है, किस लिए चेंज किया है। सो यस गाइस, ये है मेरा पहले का सिटिंग रूम, अभी भी सिटिंग रूम आप लोग बोल सकते हो। मैंने ये दरवाज़ा यहाँ से हम लोग चलता था तो इसको बंद करके मेरे हस्बैंड का जो वर्क डेस्क है उसे यहाँ पे रखा है, एंड ये तो पहले से ऐसा ही था छोईशम, एंड ये गेस्ट रूम ही बोल सकते हैं अभी, क्योंकि गेस्ट आने से बहुत तकलीफ़ होता है किचन में सोना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को पता ही था यहाँ पे स्पेस कम था, इसीलिए मैंने ये बेड को यहाँ पे रख दिया है थोड़ा। और ये जो मेरा बच्चा का फर्स्ट बर्थडे का डेकोरेशन जो हमने मंगवाया था, तो इसको अभी क्या करेगा बोल के हमने यहीं पर सजा दिया है, एंड यस ये दो चेयर लगवा दिया है। ये दोनों बर्थडे गिफ्ट है, रखने का जगह ही नहीं है, देखिए क्वार्टर बहुत छोटा है इसलिए मैंने ऐसा करके रख दिया है। तो दिस इज़ आवर बेडरूम, ये मैंने हमारा जो वो वाला बेड था वो छोटा हो रहा था तो इसलिए मैंने ये ऐसा डनलॉक को यहाँ नीचे लगा दिया है कंफर्ट होने के लिए। वी आर प्लानिंग टू बाई वन बड़ा वाला बेड डबल साइज़ का, बट देखते हैं अभी। एंड ये बच्चा का कवर्ड एंड माई बैग्स, और ये मेरे कुछ कपड़े मैंने ऐसा करके रख दिया है। ये है हमारा एंट्रेंस, मैंने ये पीछे वाला से एंट्रेंस कर दिया है अभी क्योंकि वो रूम में हमने डायरेक्ट बंद कर दिया है। एंड ये कुछ मेरा कपड़ा, एंड इसके अंदर भी कपड़ा ही है मेरा हस्बैंड का। एंड द सैड पार्ट इज़ मेरा जो क्लोजेट रूम था वो मेरा रूम नहीं रहा, ये मैंने शालू का बेडरूम बना दिया है क्योंकि उसका सोने का जगह भी नहीं था। एंड आई एम रियली वेरी सैड क्योंकि ये रूम से मेरा बहुत अटैचमेंट था, क्योंकि मैं जो भी वीडियो होता है कपड़ा चेंज करना और मेकअप वगैरह सब यहीं पे होता था, बट अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी किसी चीज़ के लिए कुछ चीज़ तो खोना पड़ेगा राइट, तो कोई बात नहीं। तो यस, और मेरा जो ड्रेसिंग आईना है उसे मैंने यहाँ पर रख दिया है क्योंकि स्पेस नहीं है, यू नो कि क्वार्टर का रूम्स कितना छोटा छोटा होता है। तो यस दिस इज़ द अपडेट, एंड ये दोनों ही गिफ्ट हैं, ये पहले जो वो पैदा हुआ था उसमें मेरे मम्मी लोगों ने दिया था और ये उनका अनी ने बुआ ने। अभी हम निकल चुके हैं आतंक लोग को मिलने के लिए, बुलाओ। तो हम जा रहे हैं हाय तो गाइस आई एम रेडी नाउ ड्यूटी जाने के लिए, मैंने लंच भी कर लिया है, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाय बाय, आओ बाय बाय। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ड्यूटी लोकेशन में, यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में ओपन एग्जाम का ड्यूटी है, फ्रिस्किंग करना है हमको। बहुत 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 ज़्यादा वेट गेन हो गया है, मतलब अगर आप वेस्टर्न पहनो जीन्स ऐसा फॉर्मल कुछ भी पहनो तो इतना पता नहीं चलता है, क्योंकि कपड़ा से थोड़ा आप लोग कर सकते हैं ना, मतलब पतला बनने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ड्रेस में हमारा ये जो खाकी ड्रेस है उसमें आप बिल्कुल भी पतला नहीं बन सकते, उल्टा ये आपको और ज़्यादा मोटी दिखाते। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि वेट कम करना पड़ेगा, तो लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमसे जंक फूड खाए बिना मेरा एक भी दिन नहीं कटता है। तो अभी मैं ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही हूँ, तो देखती हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं अपना वेट लूज जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स सी, नॉट श्योर,
अभी यहाँ से जाने के बाद शायद फिर हम खा भी लेगा और फिर बोलेगा कि गाइस सॉरी कल से कर लेगा, लेकिन देखते हैं। अभी खुद को देख के ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो इट्स हाई टाइम, लाइक एटलीस्ट इतना पतला नहीं होने से भी पहले जितना था उतना तो हो जाऊँ। गाइस आई एम बैक होम और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त के वहाँ पे, फुनसो जो मैसूर से आया है, तो उसको मिलने जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ इन जवान लड़कियों की बचकानी हरकतें। देखिए ये है वो मिठाई वाला भैया, इनके साथ भैया गूगल पे है क्या? ठीक है तो क्या खरीदते? ये है मेरा कैमरा शाय पर्सन, यू नो ये गरम है ही नहीं बोलती मैंने। ओ कितना अंदर इसका? 150 और ये 10 रुपए मोटर। दो मिठाई का क्या क्या दे रहे हैं यार अंकल ने आजकल? पहले हम लोग बचपन में तो ये सब था ही नहीं। क्या 10 रुपए दो नाम को हम इतना 50 रुपए से बोला। और ये मजा लग रहा है हम तो, ये क्या है? तो हेलो गाइस इट्स नेक्स्ट डे एंड मेरा हस्बैंड ईटानगर से आ गया है। सुबह गया था शाम को ही आ गया, उसने मेरे लेके लेकर आया है ईटानगर से, हम दिखाएगा आप लोगों को। ही गॉट मी दिस कोकोनट वाटर पीने से स्किन बहुत अच्छा होता है। वाटरमेलन, अरे यार इतना भारी है क्या इसमें? ओ लीची ओ माय गॉड, कचरा गाड़ी भी आ गई। लीची ओ माय गॉड पूरा गिर गया। तुम्हारे घर में भी लीची है? ठीक है 3 कोल सिर्फ 3, ये तुम खाओ बिकॉज आई डोंट लाइक बनाना। मैंगो, अभी मैंगो शेक बनाना पड़ेगा। एंड KFC फ्रॉम ईटानगर, पूरा प्लास्टिक फॉर के। दिस इज बुर्गर, फ्रेंच फ्राइज, अभी नहीं खाने से खराब हो जाएगा। एंड दिस इज उसने ये भरा भरा वाला जो क्या बोलते हैं चिकन लेग पीस नहीं लाया, क्योंकि आई डोंट लाइक लेग पीस, हमको मतलब अंदर का आधा कच्चा ऐसा फील होता है, इसीलिए KFC। एंड यस इतना ही था। अभी हम लोग KFC एंड ऑल दिस फूड्स को इंजॉय करते हैं और आप लोग भी मेरा व्लॉग देखते रहना, इंजॉय करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।